साथियों एक जबरदस्त खबर इस समय सुर्खियों में है और खबर है भारत में हुए इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी के भविष्य को लेकर के ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली लेकिन इस शपथ के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की हार साथ ही पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी की हार और तो और जिस राम मंदिर को बीजेपी अपने लंबे समय से चुनावी एजेंडे में रखकर चल रही थी उस, उस शहर अयोध्या में बीजेपी का हार जाना कि निश्चित ही बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक संगठन है आरएसएस उसके लिए एक बड़ा ही थॉटफुल प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदि योगी आदित्यनाथ इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनी है या बिगड़ी है ये चुनावी हलकों में चर्चा तो रही है लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये छोड़ गई है कि उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी का कभी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था हिंदी पट्टी क्षेत्र जहां पर प्रभु राम के लेकर के जो मूवमेंट बीजेपी ने चलाया था उसके सबसे ज्यादा लोग थे अल्टीमेटली उन राज्यों में भी बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ चाहे फिर वो राजस्थान हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे फिर वो हरियाणा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो इन सभी राज्यों में बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ और नुकसान हुआ यही कारण है कि बीजेपी को गठबंधन में जाकर सरकार बनानी पड़ी अदरवाइज राम मंदिर मूवमेंट के बाद जहां एक और यह लग रहा था कि इस बार चार पार तो आसान नंबर है जिस समय राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ जिस समय जिस राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ उसके बाद पूरा देश राम में था और यह लग रहा था कि अब अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो यह आसानी से लेड स्लाइड विक्ट्री पुराने दो बार से भी ज्यादा निकाल ले जाएगी ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये गठबंधन पर मजबूर हुए लगभग ऐसा लगा कि सरकार नहीं बन रही होगी इन सब विषयों पर आज के सेशन में चर्चा होगी क्योंकि बीजेपी क्यों हारी ये केवल बीजेपी के लिए सोचने का प्रश्न नहीं है बीजेपी का जो थिंक टैंक है बीजेपी की जो असली पकड़िए जो रीढ़ की हड्डी है जिसका नाम है आर उसके प्रमुख मोहन भागवत जी का हाल ही में बयान वायरल हो रहा है जिस वायरल बयान से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की कार्यशैली से प्रसन्न नहीं है और आरएसएस प्रसन्न नहीं है इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकती है चुनावी जानकारों का और बहुत सारे मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के द्वारा आरएसएस के द्वारा उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह निष्क्रियता दिखाई गई यानी कि इस एजेंडे को बरकरार रखने में कि जो बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी बोले नहीं हम देश की गारंटी चाहते हैं जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने आप को पुजारी के रूप में व्यक्त करना साथ ही साथ ऐसे लोगों को हाल ही के समय पार्टी में शामिल करना जो पहले आर और हिंदुओं को भला बुरा कहते रहे उन्हें पार्टी में मिला लेना ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर ज्यादा महत्व देना बीजेपी के अंदर ज्यादा महत्व देना जो पहले हिंदू विरोधी या फिर बीजेपी विरोधी रहे हैं उन्हें तवज्जो देना और थॉट को बढ़ाकर आगे ले जाने वाले नुपुर शर्मा जैसे कार्यकर्ता और नेताओं को हाशिए पर बिठा देना इससे आरएसएस बेहद खफा है इस बात को और ज्यादा बल मिलता है जब मोहन भागवत जी का हाल ही में नागपुर में बयान आता है और साथ ही साथ जैसे शिवसेना का मुखपत्र है सामना जैसे चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स ऐसे ही आरएसएस का एक अखबार है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता है उस पूरे लेटर के अंदर बीजेपी क्यों हारी और आरएसएस के क्या भेद हैं या मतभिन्नताएं हैं इस विषय पर चर्चा हुई अब एक बड़ा प्रश्न जो ये लोग नहीं जानते कि बीजेपी और आर में क्या कनेक्शन है आज का सेशन देखिए उससे आपको यह क्लैरिटी होगी और इस सेशन के बाद आपको यह समझ में आएगा कि अगर आर एस तो क्या वाकई में सरकार से बीजेपी को हटाकर या फिर सरकार में से बीजेपी के नेता जो कि आरएसएस को अवॉइड कर रहे हैं उन्हें हटाकर दूसरी सरकार बनाई जा सकती है इस विषय को आज के सेशन में आपको समझना है क्योंकि हाल ही में में मोहन भागवत जी के जो बयान है जिसमें ये है जिसमें यह कि ट्रू सेवक इज नॉट एरोगेंट असल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बारे में अक्सर प्रधान सेवक कहते हैं इसमें मोहन मोहन भागवत जी का यह बयान जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं और जो लोग नहीं जानते आरएसएस क्या होता है का बीजेपी पर क्या इंफ्लुएंस है आर का कहने का क्या मतलब है वो आज के इस डिटेल सेशन में डिटेल में समझ जाएंगे लेकिन मोहन भागवत जी का यह बयान कि एक सेवक जो होता है ना सच्चा सेवक वो एरोगेंट नहीं होता एरोगेंट का मतलब अहंकारी नहीं होता गुस्सेल नहीं होता घमंडी नहीं होता ऐसा बयान बयान निश्चित ही ही सेवक सेवक टर्म को कर, प्रधान सेवक टर्म को को पकड़कर पकड़कर प्रधान दिया दिया गया है है साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और पर बयान दिया है, मोहन भागवत जी ने और वो बयान है मणिपुर को लेकर के और मणिपुर को लेकर कहा है कि मणिपुर पर ध्यान कौन देगा अगर आपको ध्यान हो तो मणिपुर हिंसा जिसको साल भर से ऊपर हो चुका है जिसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने जबरदस्त प्रचार किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि मणिपुर जल रहा है प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए हैं प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर कोई काम नहीं किया है अब आरएसएस जो कि इनकी विचारधारात्मक रूप से रीढ़ की हड्डी है वो बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि कौन मणिपुर पर ध्यान देगा किसने उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई ये सोचने का प्रश्न है इसका मतलब ये है कि विचारधाराओं में फिलहाल एक कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कहते हैं कि आरएसएस से बीजेपी का जन्म हुआ था लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बेटा क्या बाप से बड़ा हो गया है यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है चुनावी हलकों में क्योंकि इस प्रकार से राम मंदिर जैसे कार्यक्रम के बावजूद बीजेपी का उन क्षेत्रों में हार जाना जो मेन लैंड कोर मतलब अयोध्या जैसी जगह पर बीजेपी का हार जाना एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि निश्चित ही वो वो जो जो कैडर है है कि बीजेपी बीजेपी के लिए हमेशा बैकबोन बनकर काम करता रहा है, क्या वो रहा क्या क्या निष्क्रिय उसने को सपोर्ट नहीं किया क्या बीजेपी का अति अहंकार समझ लेना कि हम सब कुछ सही कर देंगे या यह समझ लेना कि जो हमारे पास आएगा वो हमारी विचारधारा में मिल जाएगा यह अति अहंकार इन दोनों में रिफ्ट की वजह बन गया है आज के बहुत सारे कमेंट से इसको समझेंगे लेकिन पहले उन लोगों के लिए यह जानकारी जो आरएसएस के बारे में नहीं जानते साथियों एक दौर था जिस समय भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में कंफ्लिक क्रिएट होने लगा था हिंदू मुस्लिम के बीच का कंफ्लिक्ट अगर इतिहास में चलकर देखा जाए तो 1905 में सबसे पहले तब हलाई हमलाइट में आया जब बंगाल विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास उस समय एक दुर्जन व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड करजन उसने किया था क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो फूट डालो राज करो की नीति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना शुरू किया बंगाल का विभाजन कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना दिया बंगाल का विभाजन हुआ उससे पहले भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच में कभी इस प्रकार का रिफ्ट पैदा करने का उसने अंग्रेजों ने प्रयास नहीं किया था लेकिन वो इस बार इस प्रयास को करने में कामयाब हुए

भाजन को रद्द कर दिया जाता है कोलकाता से राजधानी को उठाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है साथ ही साथ भारत के अंदर इसी दौर के अंदर यानी 1920 के दशक के अंदर लगभग मध्य में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है गांधी जी भारत आकर के जब पहुंचते हैं उस समय पर भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते हैं जिनमें से खिलाफत जैसे आंदोलन प्रमुख होते हैं और उन आंदोलनों उन आंदोलनों के अंदर भारत अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को दी गई एक विशिष्ट सुविधा जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं उसको मान लेता है अब इसको ऐसे समझिए कि 1909 के अंदर मार्लियामेंटो सुधार हुए थे मार्लियामेंटो सुधार के अंदर मानते हुए मार्लियामेंटो सुधारों के अंदर यह कहा गया था कि मुसलमान जो अपने आप को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं संसद के अंदर तो बोले मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा मुसलमान किसी अन्य जाति को अन्य धर्म को वोट नहीं देगा तो इस प्रकार से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था अंग्रेजों ने उन्नीस में और कर दी थी यानी कि अब मुसलमान और ज्यादा यूनाइट होने लगे थे 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा इस प्रकार का इलेक्टोरेट ये वाली जब बात हुई तो इस बात के बाद में कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया उस समय की कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया बोले नहीं तो कांग्रेस तो ने इस बात का पुरजोर विरोध किया लेकिन अंग्रेज नहीं झुके वो इस बात को लेकर चलते रहे गलती कांग्रेस से कब हुई जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने जिस चीज का पहले विरोध किया था 1909 में इसको अब मान्यता दे दी मान्यता दे दी का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का साथ पाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज को भी कांग्रेस ने सही मान लिया कि ठीक है मुसलमान मुसलमानों को वोट दें लेकिन फिलहाल मिल जाओ हमें अंग्रेज भगाने हैं हिंदू मुस्लिम एकता का यह जो प्रयास किया गया था इससे मुसलमानों को यह समझ में आ गया कि अंग्रेजों को भगाना प्राथमिकता हो सकती है लेकिन अगर हम अपने हितों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े तो निश्चित ही एक दिन अपने लिए अलग देश बनाने में कामयाब हो जाएंगे समय बढ़ता गया अंग्रेज नहीं रुके उनने 1919 के अंदर सुधार किए उसमें जो पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था अब अंग्रेजों को दे दिया सिखों को दे दिया धीरे धीरे सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि वो व्यक्ति अपनों को ही वोट देगा लोगों के अंदर फूट डालने का काम अंग्रेजों ने और शुरू कर दिया इस तरह की परिस्थितियों को बनता हुआ देखकर हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए आरएसएस की स्थापना की गई आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 के दिन दशहरे के अवसर पर नागपुर के अंदर की साथियों आज यह स्वयंसेवक संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन बना हुआ है 2025 में इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं नागपुर के अखाड़ों में यह संघ तैयार हुआ एक तरह से ऐसे समझिए कि जब सब अपने अपने लिए बातें कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए कौन बात करेगा इसके लिए एक संगठन बनाया गया नाम इसका स्वयंसेवी संगठन क्यों रखा गया क्योंकि ये लिथा, ये यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें किसी को कोई तनखा नहीं मिलेगी इसे केवल आइडियोलॉजी मिलेगी ये विचार करेगा कि देश को यूनाइट कैसे रखना है क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने का तमाम प्रयास कर रहे हैं तो इन सबको एक कैसे रखना है इसके लिए आर की स्थापना केशव बलराम हैडगवार जी के द्वारा सत्ताईस सितंबर उन्नीस

हेडगवार जी के द्वारा सत्रह लोगों के साथ मिलकर अपने ही जगह अपने ही घर में बैठकर इस के इसकी स्थापना की गई थी धीरे धीरे इसका संघ का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्रह अप्रैल उन्नीस को इसका नामकरण हुआ मेरे जन्म दिवस के दिन इसके बाद में साहब धीरे धीरे ये काम और बढ़ने लगा और हेड गवार जी को सर्वसम्मति से संघ का प्रमुख चुन लिया गया सर संघ चालक इन्हें बना दिया गया सर संघ चालक इस समय पर मोहन भागवत जी हैं यानी जिस प्रकार से हेड गवार जी उस समय थे आज इस पूरे आरएसएस के सर संचालक अब ये आरएसएस कितना बड़ा हो चुका है इसके बारे में समझिए साथियों इस समय आरएसएस में एक करोड़ से ज़्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं इंटरेस्टिंग बात ये है किसी को भी तनख्वाह नहीं मिलती है किसी को भी कोई भी अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती है सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म रखते हैं एक जैसा विचार राष्ट्र की एकता भारत की एकता हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं संघ परिवार में 80 से ज्यादा सम विचारी और आनुषंगिक संगठन है बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा 80 से ज्यादा सम विचारी यानी कि एक जैसी थॉट रखने वाले संगठन हैं आरएसएस के अंदर संगठन हैं दुनिया के लगभग 40 देशों में आरएसएस सक्रिय है छप्पन हजार से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं शाखाएं का मतलब है कि रोजाना लोग इकट्ठे होते हैं बातचीत करते हैं और यहां पर कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होती है देश में जो भी चुनौतियां हैं उनकी चर्चा होना दैनिक व्यायाम होना राष्ट्र को कैसे एक लेकर आगे चलना है इसकी गली चौराहे नुक्कड़ चौराहों पर संगठन की शाखाएं लगती हैं तेरह हजार साप्ताहिक मंडली होती हैं, नौ हजार मासिक शाखाएं मंथ ऑन मंथ ये लोग मिलकर के चर्चाएं करते हैं इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि साहब आप गए और आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया नहीं बस आप पहुंच गए इस आधार पर आपकी उपस्थिति मान ली जाती है पचास लाख से ज्यादा स्वयं सेवक नियमित रूप से शाखाओं में जाते हैं देश के हर तहसील और लगभग पचपन हजार है वो यही संघ है संघ क्यों है आप विचार कीजिए 80 लाख 80 से ज्यादा तो संगठन है आरएसएस के पास एक करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य है यानी कि ये वैसे प्रशिक्षित सदस्य हैं जो कि परेड ग्राउंड के ऊपर गणतंत्र दिवस की परेड ग्राउंड में परेड कर सकते हैं इतने जबरदस्त तरीके से मार्च पास्ट करना मतलब शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने की एक्सरसाइज करना जानते हैं। पूरी तरह प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं और जो देश के लिए काम करना चाहते हैं इंटरेस्टिंग बात देखिए यही जो ताकत है ना ये बीजेपी को स्थापित करने में काम आई थी अब आप पूछेंगे वो कैसे तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये जो 80 संगठन है ना इस पर ध्यान दीजिएगा असल मायने में क्या हुआ जब ये आरएसएस हिंदूवादी थॉट के साथ आगे बढ़ने लगा इसी बीच में

मतलब जैसे कि आपको याद हो कि जब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा अनाउंस किया गया पाकिस्तान की मांग को लेकर के भारत में भयंकर दंगे हुए तो गांधी जी उपवास पर बैठ गए कि नहीं मेरे देश के अंदर दंगे नहीं होने चाहिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं इन्हें साथ रहना चाहिए तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में कुछ रिफ्ट पैदा होने लगी कि आप इस तरह से इनको साथ मत लीजिए ये लोग जो है साथ रहना नहीं चाहते हैं खैर ये वैचारिक मतभेद कई बार कई जगहों पर कोर्ट भी किए गए हैं कोई बात नहीं एक दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है महात्मा गांधी जी की जब हत्या होती है तो इस हत्या को संघ से जोड़कर रखा जाता है क्यों क्योंकि असल मायने में जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी उस व्यक्ति के संबंध आरएसएस से जोड़े गए कि यह व्यक्ति आरएसएस का पहले कार्यकर्ता हुआ करता था इसके चलते आर को प्रतिबंधित कर दिया गया नाथुराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी तो कहा गया कि नाथुराम गोडसे संघ के विचारों से प्रभावित है और ऐसी स्थिति में संघ को बैन कर दिया गया और संघ के जो संघ चालक हैं जैसे फिलहाल के लिए आज जब हम बात कर रहे हैं तो संघ चालक मोहन भागवत जी हैं ऐसे उस समय के चालक गुरु गोलवरकर जी को बंधी बना लिया गया यह वो दौर था जिस समय RSS को यह समझ में आने लगा कि हमने देश को एकीकृत करने के लिए हिंदू को यूनिफाइड करने के लिए प्रयास तो खूब किए लेकिन राजनीति में हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है हम पर प्रतिबंध लगा तो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है जब पक्ष में खड़े होने वाला कोई भी नहीं है अपनी बात रखने वाला देश के मंच पर बात करने वाला कोई भी नहीं है तब पहली बार आरएसएस को रियलाइज हुआ कि नहीं हमें राजनीति में आने की आवश्यकता है हमारी एक विंग ऐसी हो जो राजनीतिक मंच पर राजनेताओं के सामने जाकर वाद विवाद करे और डिस्कस करे कि नहीं आप गलत हैं आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं राजनीति का अपना महत्व है ठीक है ऐसे ही आरएसएस को दूसरी बार जब देश में आपातकाल लगा तब बैन किया गया और तीसरी बार जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय पर भी आरएसएस को बैन किया गया तीन बार आरएसएस को बैन किया गया ठीक है साहब आरएसएस की बैन की कहानी सुनी अब आरएसएस से बीजेपी कैसे बनी उस पर चलते हैं और साथ ही साथ आरएसएस पर से प्रतिबंध कैसे हटे कैसे आरएसएस को इतनी इज्जत फिर मिलना शुरू हुई उस पर चर्चा करते हैं बात है 1962 की जब चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया उस समय पर RSS के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं इनके द्वारा सैनिकों की मदद के लिए उनको अपनी तरफ से रसद पहुंचाना जहां जहां पीड़ित हैं उनको उपचार देना सरहदी इलाकों में पहुंच करके सैनिकों के पास सहायता पहुंचाना यह काम एस ने किया मतलब सोचकर देखिए कि जिस समय सरहद पर युद्ध सैनिक लड़ रहा हो तब आर के प्रशिक्षित कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं इस काम को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नोटिस किया और ऐसा करते हुए उन्नीस में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया कि आप अपने द्वारा जो प्रशिक्षित तो पर, पर, पर स्वयंसेवकों का एक यूनिफॉर्म में पहुंचा और परेड ग्राउंड में प्रॉपर तरीके से परेड की गई झंडे को सम्मान देते हुए देश का यह बहुत ही खास और ऐतिहासिक क्षण था जिस समय ऐसा हुआ फिर बात आती है बीजेपी की

तो हुआ यह कि कैसे हम अपने आप को राजनीति में लेकर जाएं तो इसलिए अब अपने वॉलेंटियर्स में से बीजेपी की स्थापना का काम करते हैं अब बीजेपी की स्थापना कैसे करनी है इसके लिए क्या करें इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुने देखिए अगर आप विकीपीडिया पर जाएंगे ना तो आरएसएस के साथ जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें आप बीजेपी को सबसे ऊपर पाएंगे यानी कि मैंने आपसे कहा ना चालीस संगठन आर से जुड़े हुए हैं इनमें सबसे ऊपर आप बीजेपी को पाएंगे कहते हैं कि जब आरएसएस बैन हुई 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी को गोली लगी नाथुराम गोडसे से तो उस समय आरएसएस के जो प्रमुख सरसंचालक थे उनको गिरफ्तार किया गया तो यह महत्व महसूस किया गया कि अपनी बात कौन रखेगा गोलवरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया आरएसएस की कोई राजनीतिक बात रखने वाला बचा ही नहीं कोई पार्टी नहीं हमारी जो जाकर के अपनी बात रखे राजनीतिक समर्थन दिखाए और इसी बीच में जब यह थॉट प्रोसेस चली रहा था तब एक और काम हुआ और वो क्या था भारत पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर के नेहरू जी और लियाकत अली के बीच में एक समझौता हुआ इससे नाराज होकर केंद्रीय उद्योग मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा देने के बाद गोलवरकर जी से जाकर मिले मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि गोलवरकर जी जो कि आरएसएस प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक कांग्रेसी थे इस घटना से यह दुखी होकर के आप पाकिस्तान से अब दोस्ती कैसे कर सकते हो जब पाकिस्तान अपने लिए धर्म के आधार पर अलग देश मांग करके चला गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया गोलवरकर और मुखर्जी ने महसूस किया कि आर को अब राजनीतिक आवाज की जरूरत है और साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना का ब्लू तैयार किया गया यही कारण है कि 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघुमल गर्ल्स हाई स्कूल में जनसंघ का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने और संस्थापक सदस्यों में संघ प्रचारक बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी शामिल हुए यानी कि यदि यह कहा जाए कि बीजेपी की स्थापना एक कांग्रेसी नेता के द्वारा हुई थी तो इसमें कोई दोराय नहीं होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर आए और फिर उन्होंने आकर के इस पार्टी की स्थापना की जनसंघ के नाम से अगर आप बीजेपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा के के प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता में की गई थी इसीलिए आपने नोटिस किया बीजेपी तो की बहुत सारी योजनाओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम होता है या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम होता है अगर आप लोगों ने अपने बीजेपी बीजेपी के 2000 साल 14 से और 19 की सरकारों को नोटिस किया हो तो समा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का नाम समझ में आ जाएगा क्लियर है यहां तक समझ में आ गया कि आरएसएस की क्या कहानी है कैसे-कैसे ये काम चला अब आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया ये आपके सामने आ गया कि भाई अब राजनीतिक चेतना विकसित करनी है आरएसएस ने अपने बहुत सारे लोग प्रचारक बनाए कि भाई आरएसएस की बातों को सबके साथ साझा करना है कोई व्यक्ति प्रचारक लेवल पर अगर पहुंचा है तो फिर वो शादी नहीं करेगा शादीशुदा है तो वो परिवार के साथ नहीं रहेगा देश के लिए समर्पित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से रीजनल ऑर्गेनाइजर्स बनाए गए क्षेत्रीय प्रचारक बनाए गए मोदी जी भी आर के ऐसे ही एक संभाग स्तरीय प्रचारक हुआ करते थे नाइनटीन में और उन्हें काम दिया गया सूरत और वडोदरा के आर के कामकाज को संभालने का 1979 में वो अपने आरएसएस के काम से दहली आए जहां पर उन्होंने आरएसएस का इतिहास और इमरजेंसी का काल गुजारा इसी पूरी कहानी में जब आ, मोदी जी आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे इसी कालखंड में मोदी जी को जनरल सेक्रेटरी बना करके भेजा गया अब देखिए बीजेपी के अंदर आज भी जो जनरल सेक्रेटरी रैंक का पद है ना स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर वो आरएसएस का ही होता है आरएसएस का ही नेता वहां जाकर बैठता है ऐसे ही मोदी जी को गुजरात में जनरल सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया फिर जनरल सेक्रेटरी से उन्हें वहां पर सीएम बनाया गया और सीएम बनाकर पीएम पद के लिए भी आरएसएस ने ही इनका नाम 2012 में प्रस्तावित किया कि चूंकि मोदी जी प्रचारक रहे हैं आरएसएस के विचार जानते हैं आरएसएस के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित हैं इसलिए इनका नाम 2012 में राजनाथ सिंह जी के माध्यम से गोवा अधिवेशन में 2013 में बुलवाया गया राजनाथ सिंह जी भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहे हैं तो इस तरह से आरएसएस ने अपने नेताओं से कहा कि भैया मोदी जी का नाम प्रचारित करिए अच्छा जिस समय इनका नाम लाइवलाइट में लाया गया था दैट इज द टाइम ऑफ 2013. थाउजेंड टेक्निकली अगर बात किया जाए तो आज से लगभग 11 साल पहले यानी मोदी जी उस समय बासठ साल के आसपास रहे होंगे ये सामान्यतया इस तरह के नेताओं पर फोकस करते हैं जो कम उम्र के हों संघ की विचारधारा विचारधारा हिंदू राष्ट्र की विचारधारा देश को एक रखने की विचारधारा एक चीज यहां पर और समझने की है यहां पर हिंदू राष्ट्र का मतलब अखंड भारत का मतलब समावेशी विकास है यहां पर यह अर्थ नहीं है कि हिंदू हिंदू रहेंगे मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाए नहीं यहां पर विचारधारा यह भी है कि जो मुस्लिम भाई बहन है वो भी उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे वो तो माइग्रेशन जो बाहर से आक्रांता आए उन्होंने उन्हें कन्वर्ट कर दिया आर इस बात पर भी कई बार चर्चा कर चुका है अखंड भारत की चर्चा में पाकिस्तान पाकिस्तान भी बोले अपना ही था पाकिस्तान भी अपना ही था तो बांग्लादेश भी अपना ही था ये सब क्षेत्र अपना था अखंड भारत हो और हिंदू राष्ट्र हो अर्थात भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है चूंकि सिंधु के पार वाला हिंदू है ठीक है ना और यहां पर जो मुस्लिम लोग भी हैं वो कन्वर्टेड लोग हैं वास्तविकता में जो असली आक्रांता आए थे जिनका धर्म लोगों ने अपनाया था वो सुदूर क्षेत्रों से आए थे बोले उनका कोई लेना देना नहीं है ठीक है साहब तो आरएसएस के द्वारा आज की राजनीति में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बीजेपी में भेजा गया है अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को उठा लीजिए राजनाथ सिंह जी को उठा लीजिए नितिन गडकरी जी वेंकैया नायडू जी स्वर्गीय हो चुके हैं बंदारू दत्तात्रेय शिवराज सिंह चौहान जी देवेंद्र फडणवीस जी मनोहर लाल खट्टर जी ये तमाम वो नेता है जो आर एस पृष्ठभूमि से है और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं अब एक बड़ा प्रश्न यहां पर और आता है और वो क्या है आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है लेकिन अमित शाह तो बीजेपी से हैं वो तो आरएसएस से नहीं है अब इसका क्या लॉजिक है तो अब हुआ ये कि अब बीजेपी को राजनीति करने वाले लोग भी चाहिए थे संघ की विचारधारा अपनी है लेकिन संघ के कंडीशंस तो बहुत टाइट हैं भाई प्रचारक लेवल का आदमी परिवार वाला ही नहीं होगा ऐसी स्थिति में अब प्रश्न यह था कि इस संगठन को और बढ़त कैसे दी जाए तो बीजेपी में थॉट के साथ यानी देश के अंदर देश की जो आइडियोलॉजी है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाते हुए जो भी व्यक्ति इसमें आएगा उसका स्वागत है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को भी शामिल करने दिया जो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे इसी के चलते अमित शाह जी जैसे जो लोग हैं इनकी एंट्री इसके अंदर हुई थी तो बीजेपी में चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो ये वो लोग हैं जो कि आरएसएस से तो नहीं है लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी से है और ये इस समय की पोजिशन पर बैठे हुए हैं इतनी बात समझ में आ गई तो यह समझ में आया कि बीजेपी आर से कितना कनेक्टेड है बीजेपी के जन्म में आर का क्या महत्व है आप इस तरह से सोचिए कि हाथ और सोचिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आर के कार्यकर्ता बड़े वाले कार्यकर्ता थे इसी कारण उनको प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस ने नाम दिया आरएसएस ये कर कैसे जाती है उसकी जो शाखाएं हैं ना जो प्रशिक्षित एक करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर परिवार परिवार जाकर लोगों को बताते हैं कि इस सरकार से आपको क्या लाभ है देश के लिए क्या अच्छा है किस प्रकार से देश को चलना चाहिए ये जो कार्यकर्ताओं की फौज है ना जो अनुशासित फौज है ये असल में बीजेपी की भी बैकबोन है यह उनकी ताकत है अब इस ताकत को क्या हुआ बस यहीं से सारी दिक्कत है असल में हाल ही के समय पर बीजेपी और क्यों? जन्म दिया था बच्चे के अंदर ये विचार आने लगा है कि मैं आरएसएस के बिना भी चल सकता हूं ये बिल्कुल वैसे है जैसे बचपन में कभी आप लोगों ने जब साइकिल चलाना शुरू किया हो तो आपके पापा ने आपको साइकिल चलाते समय पीछे से साइकिल को पकड़ के रखा था ताकि आप गिर ना जाए आप बढ़िया साइकिल चलाए आप साइकिल चलाए आपको दिक्कत ना हो तो साइड में व्हील्स भी लगा दिए कि ताकि आप बहुत अच्छे से साइकिल चलाएं आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं साइकिल चला लूंगा फिर आपका हाथ 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 हल्के से से बच्चा जिद करता है पापा 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 मेरा हाथ छोड़ो। पापा, मेरा छोड़ो छोड़ो मुझे साइकिल चलानी है आप उस हाथ को छुड़ाने की जिद करने लगते हैं ऐसा ही हाल ही के दिनों में बीजेपी और आरएसएस में देखने को मिला है नड्डा जी का एक बयान नड्डा जी जो कि अपने आप में आरएसएस के कार्यकर्ता रहे ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि आरएसएस की, की सख्त मतलब वो है विद्यार्थी यूनिट है उनके द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया और उस बयान में यह कहा गया कि अब बीजेपी आरएसएस के बिना भी रह सकती है इस बयान से बहुत ज्यादा मामला बिगड़ा मतलब हाल ही में जब बयान आया मैं वो बयान लेकर के आना भूल गया हूं शायद मैं लेकर भी आया था हां नड्डा जी का बयान था और उस बयान में इन्होंने इस तरह की एक लाइन बोल दी थी कि हां शुरू में हम अक्षम थे थोड़े कमजोर थे तब आरएसएस की जरूरत थी आज हम बढ़ गए हैं सक्षम हैं तो बीजेपी अब अपने आप को चलाती है यही अंतर है जब नड्डा जी से ये पूछा गया था इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के इंटरव्यू में कि आरएसएस आज भी आपको चलाती है क्या तब इन्होंने कहा नहीं अब हमको हम अपने आप चलते हैं असल मायने में जिस आर ने बीजेपी को खड़ा किया अब वही आर को यह बात सुनने में मिले कि साहब हम तो अब अपने आप से चल लेते हैं यह बात अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाई यह नुकसान पहुंचाई और इसके पीछे का बड़ा कारण यह बयान नड्डा साहब का एक दिन में नहीं आया था इस बयान के पीछे की कहानी और पटकथा बहुत पहले से लिखी जानी शुरू हो गई थी कब से राम मंदिर के उद्घाटन से असल में राम मंदिर मूवमेंट को चलाने वाले थे अडवाणी जी अडवाणी जी ने उसके लिए रथ यात्रा निकाली थी जनता को पूरा एकीकृत किया था लेकिन राम मंदिर इनोग्रेशन में उन्हें अस्वस्थ बता करके उस जगह ले जाया ही नहीं गया कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर के उद्घाटन में अडवाणी जी पूरी लाइमलाइट ले लें कि देखो इनकी वजह से राम मंदिर बना है नंबर दूसरा आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर पुजारी के भेष में खड़े होने का विरोध किया था कि भाई आप इस पूजा को ना करें यह काम संत महात्माओं का है उन्हें करने दें लेकिन आरएसएस की इस बात को भी इग्नोर किया गया आरएसएस ने अपने द्वारा कुछ लोगों का नाम सजेस्ट किया था गेस्ट लिस्ट के अंदर कि इन्हें बुलाइए जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए इतने प्राण प्रतिष्ठा ली है अयोध्या के आसपास बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने चप्पलें नहीं पहनी राजपूतों ने सर पे पगड़ी नहीं बांधी जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा हम ये प्रण लेते हैं बोले उन्हें आप सम्मान कार्यक्रम में बुलाइए उन्हें बीजेपी ने इस कार्यक्रम के अंदर नहीं बुलाया आरएसएस ने बीजेपी से यह कहा था राम मंदिर इनोग्रेशन के दौर में कि आप इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम रहने दें इसे पॉलिटिकल इवेंट ना होने दें इससे नुकसान होगा राम सबके हैं राम को किसी एक पार्टी से किसी एक कार्यकर्ता से किसी एक परिपाटी से ना जोड़ें बोले इससे आपको नुकसान होगा आरएसएस की इस बात को भी बीजेपी ने नहीं सुना साथ में यह भी कहा गया कि उन लोगों को इस कार्यक्रम में ना बुलाएं जो राम को गाली देते आए हैं लेकिन बीजेपी ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इस इनोग्रेशन के अंदर बुलाया ताकि यह दिखाया जा सके ये कितना इंक्लूसिव है इस प्रकार के कार्यक्रम को एक पार्टी विशेष के कार्यक्रम का रंग दे दिया गया जो कार्यक्रम पूरे देश का होना चाहिए था उसे एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम दिखा दिया गया इससे राम मंदिर पर बीजेपी की छाप छूट गई लेकिन राम असल में सबके हैं आरएसएस यही कहता है आरएसएस ने हमेशा से यही कहा और यही कारण है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में मत भिन्नता आई यही कारण है कि अयोध्या और उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता आरएसएस के थे वो सक्रिय नहीं हुए मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को जिसमें मोदी जी ने अपनी गारंटी कहकर के प्रचारित करना शुरू किया आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारित करने नहीं निकले उन्होंने कहा ठीक है अब आप बड़े हो चुके हैं नड्डा जी खुद कह रहे हैं कि अब हम सक्षम हैं तो सक्षम है तो जाइए और खुद से कर लीजिए जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के इतना प्रचार प्रसार हुआ उस अयोध्या में बीजेपी हार गई जिस उत्तर प्रदेश में ये पूरा मूवमेंट चला उस उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा ये वो कारण है जो हाल ही में मोहन भागवत जी के बयानों से सेंस किए गए और जो ऑर्गेनाइजर नाम का जो न्यूज है उसके अंदर लिखे गए से गया ठीक है तो यहां पर आर चीफ मोहन भागवत जी ने दस जून को नागपुर के संघ के कार्यकर्ताओं के विकास वर्ग के समापन में कहा कि चुनाव राजनीतिक और राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हुए कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्यकर्ता है गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता अहंकार नहीं करता वही सही मायने में सेवक कहलाता है यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सेवक, वर्ड पर, यानि प्रधान सेवक वाली जो लाइन है, मतलब है ऐसा हिंट न्यूज चैनल वाले आरएसएस चीफ की बात से निकाल रहे हैं जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है लेकिन एक सीमा तक यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं हो ना चाहिए यहां पर ऐसे कई बयान जिन्हें कई मीडिया चैनल्स ने झूठा बयान करार दिया बोले इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थे तो मोहन मोहन भागवत जी के द्वारा ये जो बात की गई ये नागपुर में कही गई नागपुर जहां से आरएसएस का गढ़ है जहां से ये सारी बातें कही जाती हैं। आरएसएस जिस प्रकार से हर वर्ष अपनी बातें करता है इस प्रकार भी मोहन भागवत जी ने इस तरह की बातें इस जगह पर कही थी ठीक है साहब चुना चुनावी मुकाबला इस पर नहीं होना चाहिए संसद में सहमति बनाने पर प्रयास होना चाहिए विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहिए जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इस प्रकार से अगर सरकार कुछ कार्य कर रही है और विपक्ष उस पर कुछ बात बोल रहा है तो उसे विरोधी के रूप में ना लें उसे भी एक आइडिया लें उससे भी कुछ सीखें और उन्हें भी साथ लेकर चलने का प्रयास करें आर चीफ के इस बयान के मायने ये समझाने में पर्याप्त है कि जो बीजेपी इस समय कर रही है वो अहंकार से युक्त होकर कर रही थी और उसका ही नतीजा उसे चुनाव परिणाम के अंदर भुगतना पड़ा चुनाव ऐसे लड़ो जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो चुनाव ऐसे लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो रहा हो मर्यादा का पालन करें करें अहंकार ना वही सच्चा सेवक कहलाता है और तो और तो भागवत जी के द्वारा मणिपुर भर भी बयान दिया गया और उसमें कहा गया कि एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है आपको याद होगा यह मणिपुर का मामला बहुत ज्यादा उठाया गया था बीते दस साल में राज्य में शांति थी लेकिन अचानक वहां गन कल्चर बढ़ गया जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए अब ये वाली जो बात आई आरएसएस चीफ की इसके लोग मायने निकाल रहे हैं और मायनों में सबसे बड़ा मायना यही है कि बीजेपी को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की अपेक्षा थी राम मंदिर बनने के बाद अगर वो नहीं मिली जहां पश्चिम बंगाल के अंदर इतना जबरदस्त काम संघ ने किया वो आखिरी मोमेंट पर एक्टिवेट नहीं हुआ बीजेपी uh, अपनी कैलकुलेशन में यह लगाती रह गई कि हम यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे वो वहां पर नहीं निकल के आए इसके पीछे का बड़ा कारण निकल कर आया कि इन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जो पहले बीजेपी या आरएसएस को गाली देते थे हिंदुओं को गाली देते थे उन्हें अपनी सीट पर टिकट दे दिया इससे लोगों का मनोबल टूट गया इनका कहना है कि जो कार्यकर्ता आपके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे कहते हैं उत्तर प्रदेश में आर के द्वारा दस लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था टिकट बंटवार बारे में लेकिन उनकी नहीं सुनी गई ऐसे कार्यकर्ताओं को जब इस प्रकार का भाव मिलेगा कि इतनी मेहनत के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया उनकी बात नहीं सुनी गई जिसका परिणाम यह निकला कि आरएसएस कार्यकर्ता एक्टिवेट ही नहीं हुआ और एक्टिवेट नहीं हुआ उसका परिणाम यहां पर इन्हें देखने ते ते को मिला मणिपुर शांति की राह देख रहा है उसके पहले दस साल शांत रहा मणिपुर पर इनके बयान के मायने हैं कि कि आरएसएस खुद ये कह रहा है कि नहीं मणिपुर पर मामले को सुलझाना चाहिए मणिपुर मामले पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हैं आप जाकर अपनी पाठशाला पर सुन सकते हैं हमने पूरा डिटेल वहां पर आपको बताया हुआ है रहा सहा कसर इनकी तरफ से जो अखबार लिखा जाता है ना उसने पूरा कर दिया जेपी नड्डा जी का बयान तो काफी खतरनाक था जिससे देखिए क्या होता है ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जिससे आर जाकर तुरंत सबको कहती हो एक करोड़ कार्यकर्ताओं को कि हाँ भाई कार्यकर्ताओं एक्टिवेट होने का समय आ गया है हो जाओ कोई स्लीपर सेल नहीं है कार्यकर्ता विचारधारात्मक रूप से जुड़े हुए सात लोग हैं वो विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का मनोबल टूटता है जब बीजेपी का चीफ ये कहते हुए पाया जाए अध्यक्ष ये कहते हुए पाया जाए कि अब हमें आर की जरूरत नहीं है अगर कोई ये कह दे तो आप विचार कीजिए कि वो व्यक्ति जिसने तन मन धन से पार्टी को खड़ा किया पार्टी की विचारधारा को खड़ा किया उसको मोहन भागवत जी के कहने का इंतजार नहीं है कि वो कहेंगे कि हाँ भाई आराम करो अब मत उठना वो ऑटोमेटिक सक्रिय हो गया कि अब आपको मेरे काम की वैल्यू ही नहीं है तो मैं काम क्यों करूं बोले यही कारण हुआ कि इन्होंने जिस तरह से ये बातें कही कि भाजपा को RSS के समर्थन की जरूरत नहीं है नड्डा जी का अध्यक्ष पद जाना तय है और अगर बीजेपी इस बात को समझती है कि आर की नाराजगी का उन्हें नुकसान भुगतना पड़ा है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी और संघ के बड़े कार्यकर्ता नाम सबसे ऊपर बी संतोष जी का चल रहा है सुनील बंसल जी का चल रहा है कि उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है अगर इस बात का नुकसान जो हुआ है उसे कवर करना हो तो ठीक है तो ये सारी बातें निकल करके आई अच्छा अब ये वो है ऑर्गेनाइज़र organize, करके करके वॉइस ऑफ़ नेशन आरएसएस गई क्या लिखा गया कि लोकसभा 2024 वर्डिक्ट इज इंडिकेटर दैट बीजेपी नीड टू गो इन कोर्स करेक्शन अब बीजेपी को फिर से सोचने की आवश्यकता है द रिजल्ट डिड नॉट गो एडिक्वेटली इन इट्स फेवर ड्यू टू मल्टीपल रीजन

ऑर्गेनाइजर के अंदर ये बातें लिखी गई ऑर्गेनाइजर उन्नीस से चला आ रहा अखबार है जिसके अंदर ये इस पर हमने अपनी तरफ से आप लोगों को प्रॉपर से जिसमें मैंने बताया है कि बीजेपी अपने ही हथियार से हारी है मैंने इस पर आपको सोशल मीडिया का पूरा तरीका बताया था ठीक है इसके अंदर यह भी कहा गया कि आर के जो लोग थे जो एक समय पर पार्टी के लिए काम किया करते थे लेकिन वो इस समय पर अपनी बातें

डेडिकेटेड वर्कर्स हैं उनके रिकॉग्निशन को खत्म कर दिया वर्कर आपके आपके काम को पहचाने ही नहीं इसी प्रकार से जो नेता हैं, वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं किसी की बात नहीं कर रहे हैं क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको, उनको तो उसका जवाब नहीं मिलता है इसी प्रकार से इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात उठाई ना वो महाराष्ट्र को लेकर उठाई कि महाराष्ट्र में इतना नुकसान क्यों हुआ बोले देखो, बीजेपी और शिवसेना तो एक नेचुरल अलाई है ये लंबे समय से साथ साथ रहे हैं बाला साहब ठाकरे के समय साथ चले आ रहे हैं लेकिन साहब आप लोगों ने एनसीपी को भी अपने में मिला लिया उनकी आवश्यकता क्या थी सरकार तो बीजेपी और शिवसेना से मिलकर बनी गई थी उनको साथ में लाने से पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया जिस एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी से तोड़ करके अजित पवार जी के ग्रुप को इधर लाया गया बोले ये लोग तो पूरे टाइम का हमको गाली देते रहे यानी आरएसएस को और आर हिंदुओं के एक्टिविज्म को इनको इनको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे आप इनको अपने साथ बुला लिए तो जो कार्यकर्ता इनके खिलाफ रहा हमेशा वो कैसे चार्ज हो जाए आप किसी को भी बुलाए अपना बस पट्टा पहनाए कहे कि अब ये हमारी विचारधारा से समर्थन रखते हैं हम इनके साथ हैं तो बोले आप लोगों ने ये जो काम किया ना इससे पूरी तरह से लोग मतलब आपसे नाराज रहे पीपल इंसल्टिंग राम एंड हिंदू धर्मा गेट ए रेड कार्पेट वेलकम बट ए यंग सीजन नुपुर शर्मा इज स्कॉल्डेड हार्शली और पब्लिकली बोले जो लोग आपको गाली देते रहे उनको तो आपने रेड कारपेट पे बुला के सम्मानित किया और नुपुर शर्मा जैसे जो कार्यकर्ता रहे जिन्होंने आपके लिए इतना काम किया उनको आपने पब्लिकली डांट दिया आपको याद होगा नुपुर शर्मा का बयान जिसके चलते हुए बीजेपी ने इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर दिया था जबकि नुपुर शर्मा के बयान में यह बात बार बार कही गई थी कि नुपुर शर्मा ने जो भी बातें कही वो हदीज को ध्यान में रखकर कही थी जो ऑलरेडी हदीज में लिखा हुआ है मुस्लिमों के टेक्स्ट में लिखा हुआ है वह से बातें लिखी गई थी उसके बावजूद कोई भी उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ अगर उसने मिस्टेक की थी तो क्या उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए थाने था का के, 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 के लिए खड़ा हो जाता था वो बीजेपी के इस रवैये से ये सोच गया कि ये अपने लोगों को कभी भी किनारा कर सकते हैं जो लोग इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको साइड कर सकते हैं नुपुर शर्मा केस में बीजेपी का उनको साथ

इस पूरी की पूरी विचारधारा को लेकर आगे चल सकते हैं और भविष्य में जैसे कभी नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने को लेकर कोई भी मत एकता नहीं थी लेकिन आरएसएस चीफ के इंटरफेयर के बाद ही इन्हें सीएम बनाया गया था ऐसे ही आप जब मैं आपको आज सेशन कर रहा हूं कल की खबर है कि मोहन भागवत जी की आदित्यनाथ जी के साथ गोरखपुर में मीटिंग हुई है अब गोरखपुर में मीटिंग हुई है यह खबर सुर्खियों में चल रही है तो अब यह आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि अगले पीएम के लिए संभव है कि योगी आदित्यनाथ का नाम आर आगे करे बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी का नाम कभी आगे किया गया था गोवा अधिवेशन में तो आने वाले समय में हो सकता है कि आर लंबे समय को सोचते हुए क्योंकि जब मोदी जी का नाम सजेस्ट किया था तब वो इकसठ बासठ साल के थे तो उस समय पर आज योगी आदित्यनाथ जी पचास पचपन साल के आसपास हैं तो अगले दस पंद्रह सालों के लिए कोई व्यक्ति पीएम पद पर रह सके आर उस तलाश में अब निकल चुकी है और ऐसे में नाम योगी आदित्यनाथ जी का आ रहा है है कि कि हो सकता है कि अब इन्हें प्रमोट करे क्योंकि संघ के कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सेप्टेंस इनका सबसे ऊपर होगा यदि यहां से आगे देखा जाता है ठीक है बाकी अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें आरएसएस का एक बात

टिकट बंटवारे को लेकर जो उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर आरएसएस खुश नहीं था इन सभी बातों के बारे में यहां बातें लिखी गई हैं तो अब देखना होगा आगे क्या होता है बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं अपनी बाय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें यह सारा कंटेंट की पीडीएफ अपनी पाठशाला डॉट कॉम पर मिल जाएगी नंबर एक और हमारे जो नोट्स हैं जो हमारे कंटेंट में ये सब बातें जो लिखी हुई हैं ये है बुक्स में जो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है वहां से ले सकते हैं हमारे कोर्सेज भी अपनी पाठशाला से आप ले सकते हैं थैंक